हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फेजेस ऑफ कंपाइलर। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कशन किया था कंपाइलर डिज़ाइन का, आई होप आपने वो वीडियो जरूर चेक की होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर से। मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आपको कंपाइलर डिज़ाइन अच्छे से पढ़ना है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगी कि कंपाइलर एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या फेजेज हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इन फेजेज में से, वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको कवर करूंगा। तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया, कंपाइलर इज बेसिकली यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज। अब यार ये कहानी क्या आती है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है जो जनरली हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे हम यूज कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है। अब उसमें हम चाहते हैं कि यार मेरे को डायरेक्ट मशीन कोड ना लिखना पड़े, क्योंकि मशीन कोड लिखना अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो इसलिए हमारी एडवांटेज के लिए क्या किया, प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बना दी, जिसके अंदर इंग्लिश के करेक्टर्स, इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम इजीली प्रोग्राम लिख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता, तो हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर जो समझता है दैट इज अ असेंबली लैंग्वेज, या आप उसको बोल सकते हो मशीन कोड, या आप उसको बोल सकते हो लो लेवल लैंग्वेज। तो यार हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम किसका है, कंपाइलर का। इट इज जस्ट सिंपली लाइक अ ट्रांसलेटर, जैसे आप गूगल के ट्रांसलेटर को यूज करते हो ना यार, किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। अदरवाइज मैंने प्रोग्राम लिखा, आपने उसको कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, नो आउटपुट, तो फायदा क्या उस प्रोग्राम को लिखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज है यहाँ पे लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड टारगेट कोड जनरेशन। मैंने आपको सिलेबस में बताया था कि ये सारे के सारे एक्चुअल में आपके सिलेबस के पॉइंट ही हैं। हर एक एक्चुअल में क्या है ना, एक एक चैप्टर ही, आप इसको एक एक चैप्टर की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास क्या आता है, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स। जैसे देखो आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम या हैश इंक्लूड एसटीडीओ, उसके बाद आपने इंट मेन, कोई भी प्रोग्राम लिखा, सम फाइंड आउट करने का, एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी, प्रिंट एफ सम किया, तो आपने जो भी प्रोग्राम लिखा ना, उस प्रोग्राम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लेक्सिकल एनालिसिस में प्रोवाइड करते हैं। इवन लेक्सिकल एनालिसिस से भी पहले प्री प्रोसेसिंग का फंडा होता है। प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है ना, जो ये हेडर फाइल्स वगैरह इनको हटाने का काम करता है। तो उसके बाद जब ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज लेक्सिकल एनालिसिस पे आती है, तो इसको हम क्या देते हैं, इसमें इनपुट क्या जाती है, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स, जो हम यहाँ पे प्रोग्राम में लिखते हैं, और ये आउटपुट में क्या जनरेट करता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स यहाँ पे क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे बताता हूँ कि लेट्स से हमने कोई भी सिंपल मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, पूरा प्रोग्राम करने के बजाय एक सिंगल स्टेटमेंट है, लेट्स से y इज इक्वल टू 2 इनटू x, y इज इक्वल टू 2 इनटू x। अब लेट्स से ये स्टेटमेंट है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है, इसको मैंने डाला लेक्सिकल एनालिसिस में, तो इसने क्या करना है, इसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देना है। तो y अपने आप में क्या बन जाएगा, एक टोकन, इसको आप आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो। इक्वल क्या है यहां पे, असाइनमेंट, टू क्या है यहां पे, कांस्टेंट, स्टार क्या है यहां पे, ऑपरेटर, और देन एक्स क्या है यहां पे, आइडेंटिफायर। गेटिंग द पॉइंट? तो इसने क्या करना है, 1 2 3 4 5 टोकन्स में इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जैसे ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में डिवाइड हो गया, ये बेसिकली काम किसका है, लेक्सिकल एनालिसिस का। इसके अलावा कमेंट्स हैं उनको हटाना है, व्हाइट स्पेसेस हैं, बीच में ब्लैंक स्पेसेस हैं उनको हटाना है, तो ये सारा का सारा काम किसका है, लेक्सिकल एनालिसिस का। इसको बोलते हैं लेक्सीम, लेक्सीम यहां पे जो है वो, इसको टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, ऑल्दो एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक बेसिक आप देख लो कि अगर आपको कहीं पे नॉर्मली पूछ लेना, तो एटलीस्ट आप ये चीज बता सको। तो इसको आप स्कैनर की तरह भी बोल सकते हो, इसको आप टोकनाइजर भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम यूज करते हैं बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए एनएफए हम यूज करते हैं टू क्रिएट द करेक्टर्स टू टोकन्स, कन्वर्ट करेक्टर टू टोकन्स। तो यहाँ पे टोकन्स मेरे कन्वर्ट हो गए, आइडेंटिफायर्स आ गए, आइडेंटिफायर्स के साथ साथ मेरे को पता लग गया असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा कौन सा है, इसके अलावा मेरे को कांस्टेंट, ये सारा मेरे को पॉइंट यहाँ पे पता लग गया। और इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने सिंबल टेबल में सेव कर देना है। तो यहाँ पे सिंबल टेबल जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड रहता है। सिंबल टेबल में हमने करना क्या है, जितने भी आइडेंटिफायर्स हैं उनको हमने सेव कर लिया, उनकी टाइप, अब ऑब्वियसली ऐसे तो लिखा नहीं होगा वाई इज इक्वल टू टू इंटू एक्स, इसके ऊपर कहीं ना
कहीं int x y जरूर लिखा होगा तो भैया इनकी टाइप क्या है साइज क्या है इनका स्कोप क्या है इसके अलावा इनको वेदर दे हैव रेफरेंस्ड फर्दर और नॉट तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने सिंबल टेबल में सेव कर दी ताकि हम किसी भी स्टेज पे उसको लेटर ऑन यूज कर सकें देन आ गया मेरा सिंटैक्स एनालिसिस सिंटैक्स एनालिसिस तो मैंने आपको रिकॉर्डेड क्लास में पहली वाली में भी बताया था कि यार सिंटैक्स एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है यहां पे एक्चुअल में क्या आता है पार्सर इसको बोलते हैं हम क्या पार्सर तो ये पार्सिंग का काम बेसिकली कौन करता है सिंटैक्स एनालिसिस करता है यहां पे हम सिंटैटिकली चेक कर रहे हैं मतलब मेरे पास जो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है कि वेदर माय tokens are properly synthetically organized or not whether there is any error inside that or not to isko hum basically check karte hain parsing ke through yahan pe parse tree hum banate hain aur check karte hain whether the grammar is ambiguous or not ye sare point hum yahan pe check karte hain syntax analysis mein to jaise agar mereko yahan pe iska banana hai to isko agar mujhe parse tree mein convert karna hai to simply parse tree hamesha start kahan se hota hai start symbol se to left side mein mere paas y aa gaya that is your identifier यहां पे मेरे पास इक्वल टू आ गया लेट्स से इधर मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया e और इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई वाला सिंबल एंड देन x या x की जगह आप यहां पे पहले आइडेंटिफायर लिख सकते हो यहां पे आइडेंटिफायर अगर आप लिखते हो तो आइडेंटिफायर ऑब्वियसली ये कौन सा x है और ये कौन सा आपका y तो बेसिकली यहां पे जो सिंटैटिकली हमें यहां पे चेक करना है दैट इज एक्चुअली सिंटैक्स एनालिसिस parsing phase this is a very very important phase to parse tree mein yahan pe humne convert kar liya uske baad hamare paas yahan pe kya aa gaya matlab iski output kya aa gayi parse tree then aa gaya semantic analysis ne basically check karna hai logical kind of error ka matlab kya hai ki whether the variables are declared properly or not ki main yahan pe x y use kar raha hu bhaiya unko declare kiya hai ya nahi kiya properly kiya hai unki scoping static scoping hai dynamic scoping hai kya hai that is actually checked in the semantic analysis logical error hum yahan pe check karte hain yahan pe ek chhota sa point main aapko batau ki kai bar puch lete hain ki kya divide by 0 aap let's say kisi value ko divide by 0 kar rahe ho to whether it is checked in the semantic analysis no that is actually checked during the run time ye hum baat kar rahe hain compile time ki to compile time pe koi bhi syntax kind of error hai koi bhi lexical kind of error hai koi bhi logical kind of error hai ki variables defined nahi hai ya unki type properly mentioned nahi hai to ye सारे जो आपके लॉजिकल एरर्स हैं, दे आर चेक्ड हियर तो यहां पे हम यूज करते हैं SDT का SDT इज बेसिकली सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन यहां पे हम क्या करते हैं इसी के साथ जो हमारी ग्रामर है ना उस ग्रामर के रूल्स के साथ-साथ हम क्या लगा देते हैं एक्शंस लगा देते हैं कि मतलब जो रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है कुछ प्रिंट करना है कुछ जो भी तो दैट इज बेसिकली डिक्लेयर्ड हियर इन द एसडीटी उसके बाद आ गया आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर दिस फेज इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में हम करते क्या है बेसिकली यहां पे मेनली यूज होता है थ्री एड्रेस कोड ये बेसिकली करता है क्या है जो पार्स ट्री आया ऊपर से उसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करता है वैसे तो यहां पे पोस्टफिक्स भी हम यूज करते हैं डैग यूज करते हैं मल्टीपल है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज थ्री एड्रेस कोड ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड जो है वो जनरेट करता है एक और पॉइंट सुन लो यहां पे सिंबल टेबल तो देखो सारों के साथ ही कनेक्टेड है क्योंकि अगर मुझे कोई भी सिंबल चेक करना उसकी टाइप उसकी स्कोपिंग ईच एंड एवरीथिंग तो मैं कभी भी चेक कर सकता हूं सिंबल टेबल से तो इसके अलावा जो है ना ये पॉइंट याद रखना कि कंपाइलर में यहां तक इसको बोलते हैं फ्रंट एंड इसको क्या बोलते हैं बेसिकली फ्रंट एंड बोलते हैं मतलब आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो लेट्स से आपने विंडोज का प्लेटफॉर्म है यूनिक्स का है मैक का है अलग-अलग प्लेटफॉर्म है तो मान के चलो कि यहां तक आपकी कहानी सेम ही है तो इंटरमीडिएट कोड ने जो भी थ्री एड्रेस कोड जनरेट किया उसको उठाओ और उसको आप बैकएंड में हमारे पास ये दो चीजें आ गई बैकएंड का मतलब क्या है कि बैकएंड पे जो मर्जी मशीन हो बैकएंड पे लेट्स से आपने इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया विंडोज के थ्रू विंडोज के कंपाइलर के थ्रू तो उसी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को उसी कोड को आप लिनक्स पे यूज कर सकते हो या लिनक्स वाला आप विंडोज पे यूज कर सकते हो क्योंकि ये वाले फेजेस जो है वो यहां तक सेम ही है बाद वाली की कहानी जो है वो चेंज हो जाती है क्योंकि दैट इज अ मशीन डिपेंडेंट ये मशीन के अकॉर्डिंग उसको कर देता है तो यहां पे अगर मैं इसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो थ्री एड्रेस कोड बेसिकली है क्या सिंपली थ्री एड्रेस हम यूज करते हैं जैसे T1 is equal to 2 into x मैंने कर दिया और फिर T1 की वैल्यू मैंने लेट्स से किस में डाल दी y में डाल दी जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से मैं और बताऊं लेट्स से a plus b into c मुझे ये करना है a plus b into c की वैल्यू मुझे z में डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं b into c
b into c की वैल्यू लेट्स से मैंने t1 में डाल दी, तो देखो तीन एड्रेस हैं t1 b c. अब t1 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे एक में, और लेट्स से वो मैंने सेव कर दिया t2 में, तो देखो तीन एड्रेस हो गए ना, मैक्सिमम कितने एड्रेस हो सकते हैं तीन, और फिर t2 की वैल्यू हमने डाल दी लेट्स से z में. तो इस तरीके से हम थ्री एड्रेस कोड में क्या करते हैं, अपने कोड को कन्वर्ट कर लेते हैं, अपनी जो भी मेरे पास पार्स ट्री आया उसको लॉजिकल एरर और सिंटैक्स एरर सारे चेक कर लिए, फाइनली मैंने उसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर लिया. अब थ्री एड्रेस कोड को हमने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है. ऑप्टिमाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जैसे लूप्स वगैरह यूज कर रहे हो आप, ठीक है, उनको ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा लाइन ऑफ कोड भी क्या हो सकता है, कम हो सकता है. और बेसिकली हम यहाँ पे लोकल ऑप्टिमाइजेशन की बात भी करते हैं, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, करते क्या ना, कोड को हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, और ब्लॉक के अंदर जो है वो लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉक के बाहर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन. ऑल्दो ये सारे पॉइंट छोटे छोटे आपको डिटेल में बाद में आएंगे, तो यहाँ पे जैसे ऑप्टिमाइजेशन में मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊं, जैसे देखो अगर इसी कोड को ऑप्टिमाइज करना हो तो आप कर क्या रहे हो, 2x कर रहे हो, मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहां पे आप मल्टीप्लिकेशन इज व्हाट, इट इज अ कॉम्प्लेक्स, आप कह सकते हो कि ये ऑपरेशन जो है ना ये कॉम्प्लेक्स है, ये टाइम कंज्यूमिंग है एज कंपेयर टू प्लस. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, t1 इज इक्वल टू x प्लस x, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय आप इसको x प्लस x कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा, x की वैल्यू लेट्स से 10 है तो 10 इंटू 2 20, 10 प्लस 10 20, ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही आएगा. तो बट हमने किया क्या, जो ऑपरेटर का आप कह सकते हो कि जो ऑपरेटर कोई भी आपको लगता है कि जैसे एक्सपोनेंशिएशन है उसको हटा के आप मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन है उसको हटा के आप क्या कोशिश करो, प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो. तो जैसे ही मैंने इसको किया तो कहीं ना कहीं मेरा ऑप्टिमाइज हो गया, और आप सीधा भी लिख सकते हो x प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई में कर दिया, तो इससे मेरे लाइन ऑफ कोड भी हमने कम करना है, लूप्स वगैरह है उसको भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं. सो दिस इज अ ऑप्टिमाइजेशन फेज. After optimization, finally मेरा आ गया target code, that is your machine code generation. तो it depends on the machine कि whether it is a single accumulator, ये वाला फंडा है आपका computer organization का, single accumulator है या फिर stack organization है, register organization है, उसके according हम करते हैं. जैसे मैं इसी को अगर आपको करके दिखाऊं, let's say accumulator के according, accumulator के according अगर मैं करके दिखाऊं तो मैं क्या बोलूँगा, load accumulator x की value को, x की वैल्यू को मैंने क्या किया, लोड कर दिया एक्यूमुलेटर में, उसके बाद 2 इंटू x करना है ना या x प्लस x करना है, तो आप ऐड भी कर सकते हो x प्लस x, या फिर आप यहाँ पे शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हो. देखो किसी भी वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप एक बार शिफ्ट लेफ्ट कर दो ना तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई ही हो जाता है. गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट. तो उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनली स्टोर कर देनी है वैल्यू, एक्यूमुलेटर की वैल्यू आप x में या सॉरी y में आपने स्टोर कर देनी है. तो इस तरीके से आप सिंगल एक्यूमुलेटर में लिख सकते हो. रजिस्टर के हिसाब से अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे दो रजिस्टर लगा लो, लेट्स से मल्टीप्लाई r1 r2, तो यहाँ पे क्या होगा, r1 में लेट्स से हमने वैल्यू डाल दी 2, r2 में वैल्यू डाल दी लेट्स से x की, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके r1 में ही सेव कर दिया. इसका मतलब क्या था, r1 इज इक्वल टू r1 इनटू r2, तो r1 में दोनों की मल्टीप्लीकेशन आ गई. इस मल्टीप्लीकेशन को क्या कर दो, स्टोर कर दो y में. गेटिंग द पॉइंट ऑर नॉट. r1 की वैल्यू को y में स्टोर कर दो. तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टारगेट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज असेंबली लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन कोड. सो दिस इज द मेन, आप कह सकते हो एक ओवरव्यू कि यार डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो है वो कैसे काम करते हैं, कैसे हम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं. सिंपल टेबल इस तरीके से सारों से कनेक्टेड है. ऐसी एक यहाँ पे है एरर हैंडलर, एरर हैंडलर भी सारों से कनेक्टेड है. एरर हैंडलर का बेसिकली पर्पज क्या है कि लेट से कोई एरर्स आ रही हैं, जैसे लेक्सिकल एनालिसिस की बात करें, आपने डबल कोट्स लगाए लेकिन डबल कोट्स बंद करना भूल गए, तो ये क्या एक तरह से लेक्सिकल एनालिसिस है. आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाई तो सिंटेक्स काइंड ऑफ एरर आ जाएगी. तो जो भी अगर एरर आ रही है तो उन एरर्स को कैसे हैंडल करना है, कई बार हम जो कंपाइलर है वो खुद भी रेक्टिफाई कर देता है. जैसे कोई भी आपने इंट लिखा, इंट ए, अब वहां पे आप इंट डबल टी लगा दिए तो वो वहां पे कहीं ना कहीं अपने आप क्या कर देता है, रिमूव करके कहीं ना कहीं टाइम जो है वो यूजर का सेव करता है. और इन केस अगर कंपाइलर खुद स्टक हो गया कहीं पे तो उसको बैक ट्रैक कैसे करना है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज टेकन केयर बाय द एरर हैंडलर. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट फेजेस ऑफ कंपाइलर. थैंक यू.